इसने बिल्ली देखी नहीं, इसकी म्याऊं म्याऊं चालू हो जाती है। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। हम लोग लाइक 2:30 उठ गए थे एंड देन अभी हो रहे हैं 3:45। हमें 4 बजे रिसेप्शन पे पहुंचना है क्योंकि हमारा हॉट एयर बैलून वाला राइड है। तो वी आर ऑलमोस्ट रेडी, अब हम चलते हैं रिसेप्शन की तरफ, हमें पिकअप किया जाएगा वहां से एंड देन हम वहां से आगे बढ़ेंगे अपने हॉट एयर बैलून के लिए। हियर वी आर अगेन ट्विनिंग। तो वी आर ऑन टाइम, अंधेरा कायम रहे तमराज किल्विस। शहर देखो आप, छोटा सा प्यारा सा, वहाँ पर हमारा रिसेप्शन है, वहाँ से हमारा पिकअप है। इसने बिल्ली देखी नहीं, इसकी म्याऊं म्याऊं चालू हो जाती है। एक और बिल्ली देखी इसको, तो बिल्ली के सामने जो आया था ना, वही हमारा पिकअप था। हमारा पिकअप आ चुका है एंड हम चले होटल बैलून में एंड वो खड़ी हमारी गाड़ी। सड़कों पे अंधेरी रातों में हम दोनों सेंसास निकल के जा रहे हैं। ये देखो, ये जा रही है हॉट एयर बलून की टोकरी। आ चुके हैं हम एंड ये हमारा ग्रुप है। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट हम कर रहे हैं। मतलब मिस्टर इंडिया की तैयारी करने के अलावा लाइफ में पहली बार मैं 4:45 बजे ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। हम आ चुके हैं, एंड लुक एट दिस। बचपन में हॉट एयर बैलून कैसे उड़ता होगा, हवा कैसे भरती होगी, हो रहा है इसके पीछे की साइंस हम बातें समझेंगे। अभी मजा लेते हैं राइड। वी आर टेकिंग ऑफ, दिस इज आवर बैलून। लुक एट द व्यू। अच्छे हो गए हैं बढ़िया। क्या बोलना चाहेंगे आप अभी तक की राइड के बारे में? अमेजिंग यार, बड़ी अच्छी थी, बहुत ही थी नहीं, मतलब है भी, हम अभी चल रहे हैं उसी में है, मजा आ रहा है। ये देखो काफी हाइट पे हैं।
यात्रीगण कृपया ध्यान, हम बहुत सारे फीट और मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और सूरज दादा और ये हमसे भी ज़्यादा ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, हमसे नीचे भी हैं, और ये हमसे भी नीचे ऊंचाई पर उड़ रहे हैं, और वहाँ पे वो फ्लैट हो चुके हैं। नमस्ते पापा। मम्मी तो गाइस हमारा बलून ट्रिप खत्म होता है। वी आर अबाउट टू खेत एकदम पास दिखने लगे, वो रही रो लैंड करने वाले हैं। एंड हमने जल्दी जल्दी अपने पेरेंट्स को कॉल करके भी दिखा दिया है। सबसे अच्छा हमें वही लगता है कि अपने पेरेंट्स को जल्दी से दिखा दें। ये सारे बलून्स लैंड करने वाले हैं। तो वो है हमारे बैलून की शेडो, हमारे हाथ आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। हेलो हेलो हेलो, नहीं आ रहे। मेरी वीडियो तो हम लोग बस वही लैंड करने वाले हैं। हम सबसे बेस्ट पार्ट, हमें नहीं पता कि हम कहाँ लैंड करने वाले हैं। एक्चुअली दे डोंट नो, क्योंकि हवा कंट्रोल कर जहाँ मौका मिला वहीं उतार देंगे। तो सारे बलून्स लैंड कर रहे हैं। This one is landed. भाई अनन्न से शैंपेन है खोल दी। वो देखो वो बैलून लैंड करके इग्लू बन गया है। सब सिकुड़ के घड़ी हो चुके हैं। तो भाई साहब पूरे घड़ी हो गए। वो तो बन भी गए, देखो वो बन गए हैं। चले जाएंगे घर। गाड़ी वाले ने देखा है पीछे गया। फाइनली हमने एक भी पैसा एक्स्ट्रा नहीं दिया, फुल एंजॉय किया एंड आराम से लैंड कर रहे हैं। ये हमारे बलून की शेडो, भाई साहब ने रस्सी पकड़ के खींच ली है। और ये लैंड करा दिया है इन्होंने, और पूरी एड़ी चोटी का जोर लगाते हुए भाई साहब, अरे भाई साहब पीछे से जोर लगाते हुए, और दो भाई लोग उधर लगे हुए। और ये मेरे को ऐसा लग रहा है कि सीधा ट्रेलर के ऊपर कराएं, ये इनका लैंड कराएंगे और घर लेके चले जाएंगे सीधा। मैन वी आर लैंडेड, वी आर लैंडेड, थैंक यू, ब्रावो पायलट, ब्रावो। वेरी रेयर साइट, हम ट्रेलर पे जा रहे हैं, ऊपर हमारा बैलून लगा हुआ है एंड ये देख ट्रेलर पे गाड़ी से चल रहे हैं, ये देख गाड़ी से। वेरी रेयर साइट। डोंट वरी, हम ऐसे होटल नहीं जाने वाले, जस्ट दिस इज लाइक वन ऑफ द बेस्ट थिंग। ये पायलट है, उन्होंने ट्रेलर के ऊपर लैंड कराया है एंड नाउ पूरा बैलून गाड़ी में जा रहा है। हमारे हवा नाप रहे हैं कहाँ को जा रही, धुआं उड़ा के ये खींच रहे हैं एंड वो खुलता जा रहा है, सारी हवा निकल जाएगी एंड बलून टूट जाएगा बेचारा। ये मेहनत कर रहे हैं जद्दोजहद, क्या किसके लिए? इसके लिए, इसके लिए। ध्यान से। और ये हमारा बैलून चपटा हो गया रे। बोलेगी शैंपेन फॉर सेफ लैंडिंग एंड रेडी फॉर द शैंपेन शावर। बैलून घरी, बैलून हो गया चपटा, इट्स अबाउट टू पैक एंड अभी सबको मिल रहे हैं डिप्लोमा।
हमने कोर्स कंप्लीट कर लिया उड़ने का। यस थैंक यू। हम लोग अपने होटल पहुंच गए एंड व्यू इज वन ऑफ द बेस्ट। जा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जो शांति है ना वो सबसे बेस्ट है। इतनी साइलेंस है ना यहाँ पे, देखो पक्षियों की आवाज है। चेक दिस। तो हमने थोड़ा सा सो लिया था, मतलब मैंने अकेला सोया था, मैडम जाग रही थी, और हम अब जाके ब्रेकफास्ट करते हैं। अभी टाइम हुआ है 8:45। तो हम ब्रेकफास्ट करके फिर रेडी होके फिर निकलेंगे हमारे टूर पे। तो हम लोग आ गए हैं ब्रेकफास्ट करने। आज का हमारा दिन, हमारा टूर स्टार्ट होगा, मतलब हो चुका है ऑलरेडी, आपने देखा हॉट एयर बलून सबसे इम्पोर्टेंट। नाउ हम 10 बजे पे निकलेंगे टूर के लिए। गलती से हमें रिकॉर्ड किया जा रहा है। और इनकी समस्या अभी भी जारी है। इन्हें नहीं मिल रहा वेज, यहाँ पे लोग वेज का मतलब समझते हैं, वेज का मतलब समझते हैं वेजिटेबल्स। तो बहुत ही परेशान है मैडम। मैडम और उनका मतलब ये भी हो जाता है वेज का मतलब वेजिटेबल्स, ऑमलेट विद वेजेस जारी है। लेकिन 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 हमारे पास कप्पा नूडल्स है। अगर ज़्यादा होगा तो हम मार्केट से ब्रेड भी ले सकते हैं, ना हो हमें सुपर मार्केट दे दिया ब्रेड बटर जैम जिंदा बात। अभी हमारा ब्रेकफास्ट आ गया है, मतलब अभी इनकम्प्लीट है, अभी कुछ 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 और आना है बाकी। ये देखो। हाँ जी गुड़िया जी, आप क्या बोलने वाली थी? सबसे अच्छा लगा मुझे यहाँ पे एक ऐसी चीज़ मिली है, ये इसको हम सोच रहे थे कि ये थोड़ी सी आइसक्रीम हमारे ट्राई के लिए आई है। रोटी देखो, रोटी का शेप देखो इतना एक। हाँ ये इसके अंदर चीज़ होता है समथिंग लाइक। ये छोटी छोटी रोटी भी मिल जाए तो मेरा भी आराम होगा। और ये निकला वाइट बटर जो हम जैसे घर में निकालते हैं ना, मक्खन मक्खन जो कान्हा जी खाते थे, अमेजिंग, मेरे को बहुत पसंद है। तो बस मुझे फाइनली मिल गया। ये इनका फेवरेट है, ये मेरा फेवरेट। आप देख रहे हो सीधा ला के इन्होंने मधुमक्खी का छत्ता रख दिया इधर। अभी हम उड़ाते हैं, हम रेडी हैं अपने टूर के लिए। ये देखिए क्वीन विक्टोरिया आ रही हैं, रूम से निकलती हैं। चलिए चलते हैं जल्दी से। अब हम आज करेंगे नॉर्थ कैपेडोकिया टूर। These are from volcanoes. Okay. Yeah. We have two. This is the Pigeon Valley. Yeah. Two rooms for people, for food, for animals. Three campus. So then. Okay. One packet. 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 Finish. अंकल जी ड्राइंग कर रहे हैं, लाइफ पेंटिंग। ये हमारी राइड। चलिए मैडम हम आए हैं ब्रेक लेके टर्किश डिलाइट्स स्वीट्स वगैरह लेने। शॉपिंग स्टार्ट अगेन। Why our great garden? Okay. Because living in Cappadocia, the commercial. इसका दूसरा नाम है the monks valley, you know monks. वो यहाँ पे आके मेडिटेट करते थे जो भी। और उसे इट इज़ अ रिलीजन एरिया। या। For Christians, settled in Cappadocia. Okay. Okay. So most of the time they are in their rooms only. Yeah. Not dealing anything about the world, just see how the rock formations happen.
imagine that because of the volcanoes, all of the area was like that here. Okay. ये जो आपको छोटे छोटे छेद दिख रहे हैं ये हैं विंडोज, यहाँ पे मॉन्क्स मेडिटेट करते थे. जहाँ से एंट्री है वहाँ जाते हैं मॉन्क लोग, नहीं पूजा करने के लिए. ओके दिस इज क्लोज. ओके सो दीज आर लॉट ऑफ मशरूम हेड्स, लॉट्स ऑफ मशरूम हेड्स, लॉट्स ऑफ मशरूम हेड्स. हमारा मॉन्क्स वैली का टूर खत्म. नाउ हम आए एक पॉटरी शॉप में. ओह इट्स सो कोल्ड. नेचुरल ओके इट्स रियली नाइस. आई एम कमिंग. नाइस ओके 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 मज़ा आ गया. अब हम यहाँ पर दोनों लोग सीखेंगे कैसे होती है, देखेंगे एंड शायद ट्राई भी करें. From here we can see this part is the drawing process. We draw the designs by freehand techniques, hand draw, hand shape items. And these are lead free glazed food safe items, dishwasher safe, dishwasher safe. Okay. Just waiting for her. Over here. हम मतलब केव के अंदर, केव के अंदर, केव के अंदर चले जा रहे हैं. अंडरग्राउंड सेंटर पे हूँ. एक माले से नहीं चाहिए, दूसरा माला, एक तल्ले से दूसरे तल्ले. ओके दिस इज अ वर्कशॉप. हेलो वी आर गुड, हाउ आर यू? थैंक यू वेरी मच. आई डोंट थिंक सो. कैन यू टेक ऑफ वॉच रिंग? Oh, nice. It has a partition na between. Yeah. So अभी ये try करने जा रही हैं. To the center. Go deeper. बना लिया है सर की हेल्प से. हम पॉटरी निकल के आ चुके हैं बट अभी हम आ गए खाना खाने. खुश आज जो है मतलब हर चीज़ में, फोटोज से लेके टूर से लेके शॉपिंग से लेके खाना, फाइनली खाना. मुझे राजमा चावल मिल गए क्या पड़ोसिया में. हमारा जो गाइड है ना एक नंबर आ गया. खुशी देख रहे हो खाने की. एक बार प्लेट साफ करके दोबारा से चावल भर लाई है मैडम. चार पांच दिन का आज ही खाओगे? अभी के चावल मुझे पसंद नहीं है. थैंक यू. हम आ गए हैं इमेजिनेशन वैली. ये देखो इफ यू लुक एट इन द मिडिल ऑफ द रॉक फॉर्मेशन देयर इज अ हैंड देयर लाइक दिस. ब्राइड एंड ग्रूम. यस ओ इमेजिनेशन वैली की कहानी ये है कि यहाँ पे जो भी रॉक्स हैं उन पे कुछ ना कुछ लाइक वोल्केनो की वजह से जो भी फॉर्मेशन हुए रॉक्स के, तो आप अपनी इमेजिनेशन के हिसाब से उनको कुछ भी इमेजिन कर सकते हो. लाइक सबकी अपनी इमेजिनेशन होती है. किसी को वो हाथ लगेगा तो किसी को वो कुछ लगेगा. सामने है वो कैमल लग रहा है, वहाँ पे एक हैंड फॉर्मेशन हो रहा है. सो देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक जहाँ पर आप कुछ कुछ इमेजिन कर सकते हो, जो आपकी मर्जी है उल्टा सीधा. तो गाइस जैसा आपने देखा कि अभी हम इमेजिनेशन वैली में थे और अभी हम आ चुके हैं अपने होटल. अभी रेस्ट करेंगे. आज का दिन हम यहीं समाप्त करेंगे और फिर मिलेंगे अगले दिन. तब तक के लिए हम सोते हैं, बने रहिए हमारे साथ.